हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय माता दी। तो चलिए देखिए, मैंने ना इस महाशिवरात्रि के लिए मैंने मंदिर को सजा दिया था। ये तो दूसरे दिन की महाशिवरात्रि की पिक्स है। अब देखिए, मैंने पहले दिन सफाई कैसे स्टार्ट की थी। सबसे पहले मैंने जो ये होता है ना, इनके बीच में बहुत मिट्टी फंस जाती है, चाहे आप रोज भी साफ़ करो ना, फिर भी मिट्टी फंस जाती है। तो मैंने अच्छे से हर एक चीज़ को बढ़िया से साफ़ कर दिया था। मंदिर से मैंने भगवान को नहीं हटाया था, क्योंकि हमारे वहाँ एक्चुअली नहीं हटाते हैं पहले दिन। तो इसलिए मैंने दूसरे दिन तो मुझे हटाना ही था ना, इससे मैंने बाहर बाहर की अच्छे से सफाई कर ली थी। तो दूसरे दिन के लिए थोड़ा ही काम बचता, तो मैंने फिर क्या किया, अशोक के पत्ते लिए। और पत्ते लेने के बाद मैंने इनको अच्छे से इनका पानी निसार लिया था, मतलब इतना पानी कि बिल्कुल ऐसे टप टप ना टपके, बाकी तो सूख जाता ही है वो। उसके बाद मैंने ले लिए थे फूल। मैंने इस बार ना अलग अलग टाइप के, जैसे दो प्रकार के तीन, मैं रोज़ ही मंगाती हूँ, लेकिन इस बार मैंने कुछ ज़्यादा फूल मंगाए थे कि मैंने कहा मंदिर को डेकोरेट करूँगी अच्छे से, क्योंकि त्योहारों में ही डेकोरेट हो पाता है ना। तो देखिए, लेकिन इस बार ना इतने अच्छे फूल आए थे, और स्मेल तो मैं कह रही हूँ पूरे घर में महक गई थी, बहुत दिनों के बाद आए, जैसे नेचुरल लग रहे थे बिल्कुल। अब देखिए, मैंने क्या किया, एक धागा लिया, उसमें एक फूल लगा के अशोक के पत्तों को ऐसे फोल्ड फोल्ड करके लगा दिया। इस तरह से मैंने ना मालाओं की लड़ियाँ बना ली थी, ठीक है। और एक जो ये गुलाब वाला दिख रहा है, ये मैंने अपनी माता रानी के लिए बनाया था। फिर मैंने क्या किया, जो फ्रूट्स वाले आते हैं ना, इनका बहुत अच्छा यूज़ होता है, देखिए इससे मैंने सारी मालाएँ रख दी थी। और ये ना ऐसे भी फ्रिज के अंदर ऊपर भी रख लेंगे ना तो भी ये ख़राब नहीं होते। देखिए इस तरह से दूसरे दिन मैंने क्या किया, मंदिर हटा दिया था, अच्छे से सजा दिया था। देखिए कैसे लग रहा है आपको, आप ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा मंदिर सजाया हुआ कैसा लगा। मुझे तो बहुत शौक है मंदिर सजाने का। तो देखिए इस तरह से मैंने सारा मंदिर सजा लिया था। सबसे पहले गणपति की पूजा की, फिर कृष्ण की पूजा की, उसके बाद मैंने माता रानी की पूजा की, और उसके बाद मैंने इस बार क्या किया था, पंचमुखी जो हनुमान है ना, तो उनको भी मैंने इस बार अपने भाई के रूप में उनको मैंने अपने घर में विराजित कर रखा है। तो देखिए इस तरह से उनकी भी मैंने बहुत इस बार मतलब सेवा की। और ये हमारी कुलदेवी हैं भगवती, उनकी भी फ़ोटो है हमारे घर में। तो मैंने सबकी पूजा बहुत अच्छे से करी। और लेकिन देखिए, पूजा की विधि मैंने नहीं दिखाई, क्योंकि सबके अपने अपने पूजा करने का एक ढंग होता है, इसलिए मैंने नहीं दिखाई। और मैं बिल्कुल सरल तरीके से पूजा करती हूँ, मेरे को ज़्यादा कुछ पूजा पाठ करना नहीं आता, मैं सिंपल तरीके से करती हूँ। हाँ, पूजा करना मुझे बहुत पसंद है, जो भी मैं सीखती रहती हूँ मैं वो ज़रूर अप्लाई करती हूँ, लेकिन मैं ऐसा वो नहीं करती हूँ कि बस बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में मन नहीं करती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। आई होप आपको मेरा मंदिर वीडियो पसंद आई होगी। तो राधे राधे।